तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी में। और आज हम रिजेनरेटिव रिजेनरेशन के ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। उसमें उस वीडियो पिछले वाले वीडियो में हमने आइडियल केस देखा था, ठीक है ना, जब हम टरबाइन के अंदर जब मान लेते हैं कि पाइप लगा दिए हैं एक, और तब हम हीट कर रहे थे, वो जो ये वाला पार्ट था तब हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन हम प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल केस में क्या करते हैं, तो प्रैक्टिकल केस में देखिए हम क्या करते हैं, टरबाइन का मान लीजिए 1 kg स्टीम है, ठीक है ना, तो उसके कुछ स्टीम को हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एम के जी को निकाल लिए, और एम के जी को ये जो पानी था, जो ये पानी था, इसके साथ हम मिला देते हैं। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए तो ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा मिलाने से स्टीम को। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक कप चाय लीजिए और एक कप ठंडा पानी लीजिए, अगर आपको पानी को गर्म करना है और चाय गर्म है तो चाय में मिला दीजिए, चाय को मिला दीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा, पानी आपका गर्म हो जाएगा। तो सेम हम काम करते हैं, यहाँ से कुछ स्टीम के पार्ट को निकालते हैं, ठीक है ना, टरबाइन के कुछ स्टीम को निकालते हैं, मान लीजिए एम के जी को निकाले, ठीक है ना। ये सब समझाएंगे अभी हम कैसे हो रहा है। और हम क्या करते हैं, यहाँ जो पानी था, जो सेंसिबल हीटिंग जो पार्ट था, वो वाले से मिला देते हैं, तो ये सेंसिबल हीटिंग हो जाता है। बट देखिए जब हम सेंसिबल हीटिंग होगा, बट उतना नहीं होगा जो हम आइडियल केस लेके चले थे। कि आइडियल केस में हम क्या लेके चले थे, कि एकदम कार्बन जो मेरी हम लास्ट तक ले लिए थे, मतलब कार्नोट की इतना एफिशिएंसी कर दे रहे थे। लेकिन इस वाले केस में कार्नोट के इतना एफिशिएंसी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे हम, इसमें कैसे मिलाएंगे, सारे प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, आप बुक में भी देखे होंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आप स्टीम, पहले तो स्टीम आप 1 kg मान लीजिए, क्योंकि इसमें मास का बहुत जरूरी है, ठीक है ना, मास बहुत जरूरी है इस वाले प्रोसेस में। क्योंकि मास जो है आपका, इसलिए मास जरूरी है आपका, क्योंकि आप कुछ मास को निकालोगे, ठीक है ना, और बाकी मास को आप कंडेंस कराओगे, इसलिए मास को आप कंसिडर कर लीजिए, 1 kg मास ले लिए, ठीक है। और एम के जी को आप निकाल दिए, ठीक है ना, निकाल दिए, ठीक है, एम के जी को निकाल दिए आप स्टीम मतलब पानी के साथ मिलाने के लिए, ठीक है ना। और 1 - mkg को आप कंडेंस करवाए, 1 देखिए यहाँ पे 1 kg स्टीम लिए थे, mkg को आप क्या किए, आप निकाल दिए, और 1 - mkg को, 1 - mkg को आप कंडेंस किए लास्ट तक यहाँ पे। कहाँ से देखिए, जब तो देखिए तो कहाँ से आप कहाँ तक कंडेंस कर रहे हैं, जब ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना था, 80 बार था, और आप जब स्टीम को निकाले, जब स्टीम को निकाले तो वो 30 बार पे आप निकाले, एम के जी स्टीम को जब आप निकाले हैं तो, और आप कंडेंस कहाँ तक कर रहे हैं, 0.8 बार तक 1 - mkg स्टीम को कंडेंस करवा रहे हैं, 0.8 बार तक, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या किए, पहले कुछ पहले 80 बार से 1 kg स्टीम को टोटल को 0.2 तक कंडेंस करवाए, ठीक है ना, 0.2 तक कंडेंस करवा दिए 1 kg को। जब वो 30 बार पे आया, जब उसका प्रेशर 30 बार हो गया घट के, क्योंकि टरबाइन में क्या होता है प्रेशर घटता, जब वो 30 बार पे आ गया उस स्टीम का प्रेशर, तो आप उसमें से एम के जी को आप निकाल लिए, ठीक है ना, एम के जी को निकाल लिए, बाकी 1 - mkg को आप कंडेंसर में भेज दिए। ये देखिए कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, ये पंप है, ठीक है, कंडेंसर में भेज दिए। और ये अब ध्यान से सुनिएगा, इस एम के जी स्टीम को हम क्या करेंगे, ये जो एम के जी आपका स्टीम है, जब आप उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो पता है प्रेशर जो इस एम के जी स्टीम का होना चाहिए, वही प्रेशर आपका पानी का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए ये जो एम के जी निकाले वो 30 बार पर आप निकाले हैं, तो पानी जो लाएंगे मिक्स करने के लिए उसके साथ, वो भी 30 बार होना चाहिए, वरना मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होता लिक्विड के केस में, ठीक है ना। लिक्विड के केस में आपका क्या हो जाए, प्रेशर का जो डिफरेंस होना चाहिए, वो प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए मिक्सिंग के केस में। जैसे मान लीजिए आप चाय से, चाय के मान लीजिए पानी लिए और एक चाय लिए, ठीक है, पानी लिए एक कप चाय लिए, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रेशर सेम है, प्रेशर का इन द सेंस जो एटमोसफियर जो आपका प्रेशर लगा रहा है, जितना पानी पे लगा रहा है उतना चाय पे लगा रहा है, अगर प्रेशर सेम नहीं रहा तो दोनों में मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह हम स्टीम को जो 30 बार पे निकाले, तो हमको जो पानी, जो फोर्स से पाइप का वाटर है, जो फोर्स से हम जो मैं 5 से 6 में पानी जा रहा, देखिए ये जो पार्ट है इसी को हम हीट करेंगे इससे, ठीक है ना, इसी को हम इससे हीट करेंगे, तो जो मेरा ये वाटर है वो भी आपका 30 बार होना चाहिए। तो हम क्या किए, 1 - mkg को कंडेंस करके पानी बनाए, और फिर इसको पंप लगा के इसको भी 30 बार कर दिए। ये जो पंप है ये 30 बार कर देगा आपका पानी को, ये देखिए बाघ लिख रहे, ठीक है ना, 30 बार कर दिया पानी को पंप P1 जो है, P1 वो क्या किया, 1 - mkg के प्रेशर को बढ़ा के 30 बार कर दिया। अब देखिए टरबाइन से आप जो mkg स्टीम निकाले, mkg यहाँ दिखेगा mkg, वो भी 30 बार पे, और 1 - mkg भी 30 बार पे, दोनों मिल गए, ठीक है, और आपका पानी भी हीट हो गया, जो पानी 1 - mkg था वो इस mkg स्टीम के कारण जब मिक्स कर दिए तो आपका हीट हो गया। अब फिर आप उसको, अब देखिए
अब आपको फिर से ये 30 बार क्या है, ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर जो है वो 30 बार है जो आप इसको मिक्स किए तो। अब आपको फिर से 80 बार पे ले जाना है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस आपको बार बार करवाना है। तो साइक्लिक प्रोसेस आपको जब बार बार करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 0.6 होगा, जो 0.6 होगा उसको आपको पंप लगाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 6 से 7 पे हम फिर से पंप लगाएं ताकि इसका प्रेशर जो है वो 80 बार हो जाए। तो यही है टोटल का टोटल रीजनरेशन जो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में करते हैं। क्या करते हैं फिर से सुनिए, फिर से समझिए, हम एमकेजी के स्टीम को निकालते हैं और जिस प्रेशर पे निकालेंगे, मान लीजिए 30 बार पे निकाले, यही हो सकता था 20 बार हो सकता था, 20 बार पे अगर आप निकालते तो आपको पानी को 4 से 5 का जो पंप था, ये पंप को कितना प्रेशर बनाना पड़ता, 20 बार। इस पानी का जो आप कंडेंस किए हैं 1 माइनस एमकेजी के वाटर को जो आप कंडेंस किए हैं उसको प्रेशर कितना बढ़ाना पड़ता, 20 बार। यहाँ पर हम 30 बार लेके चले हैं तो 30 बार का केस लेके चलते हैं, ठीक है। 20 बार कन्फ्यूज करेगा झुकूंगा तो 20 बार को हटा देते हैं। तो देखिए पानी को कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 30 बार, ठीक है, प्रेशर को, पंप को, पानी का प्रेशर 30 बार, तब आपका मिक्सिंग पॉसिबल होगा। फिर यहाँ पे जब आप 0.6 पर आ गए, जब मिक्स हो गया तो, ठीक है, तो क्या होगा, अब आपका फिर से प्रेशर को 80 बार करने के लिए पंप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पंप P2 हम लगाए हैं जो इस प्रेशर को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता है, ठीक है, 80 बार पर कर देगा। और फिर 80 बार से आपका यहाँ से यहाँ तक आप हीट ऐड करोगे बॉयलर से, मान लीजिए Q1 हीट ऐड किए, ठीक है, यहाँ से आप हीट ऐड किए। तो देखिए आपका एफिशिएंसी कैसे बढ़ा, आप समझिए, ध्यान से, ध्यान ही देने लायक बात है। तो देखिए जो आपका प्रोसेस है पंप का, ये जो हीट एडिशन हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, जो आप हीट ऐड कर रहे हो बॉयलर से, वो 7 से 1 तक का प्रोसेस है, ठीक है ना। पहले आपको कितना करना पड़ता, तो 5 से करना पड़ता, 5 से 1 तक का। देखिए जब आप रीजनरेशन किए तो आपका हीट एडिशन 0.7 से 1 तक ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो मीन टेम्परेचर निकलेगा उसका वैल्यू इस 5 से 1, जब 5 से 1 आपको जाना पड़ता पहले, पहले प्रोसेस आपका क्या था 5 से 1, तो इसका वैल्यू जो मीन टेम्परेचर वो तो कम होता 5 से 1 वाला। तो जो ये देखिए ये वाला मीन टेम्परेचर आपको सीधा दिख भी रहा होगा, इसका टेम्परेचर इतना आपको लोअर, इतना ज़्यादा आपको इस टेम्परेचर से यहाँ पे जाना पड़ता, और आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस टेम्परेचर से जो इस टेम्परेचर पे जाना है, तो इसका मीन टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस वाले पहले मुकाबले जब रीजनरेशन नहीं यूज़ किए थे। तो इसीलिए हम रीजनरेशन यूज़ करते हैं ताकि जो मेरा मीन टेम्परेचर बढ़ जाए। अब मीन टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n=1 - T2/Tm, ठीक है, T2/Tm, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, T2/Tm। तो देखिए T2/Tm, अब आपका मीन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इस रीजनरेशन के कॉन्सेप्ट से एक्चुअल प्रैक्टिस में, तो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि ये टरबाइन से ही नहीं हो सकता, ये टरबाइन से जो आप हिट किए हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस केस में, जो स्टीम पावर प्लांट आप जाएंगे तो उसमें हम टरबाइन से भी करवाते हैं, उसके साथ साथ जो हम बॉयलर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बॉयलर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, तो जब फ्यूल जलता है तो जो धुआं होता है, ठीक है ना, धुआं जो होता है तो वो काफ़ी गर्म रहता है, जो बर्न्ड गैसेस है उसका जो उसका वो काफ़ी गर्म रहता है, तो उससे भी हम अपने पानी को सेंसिबल हीटिंग को कर सकते हैं और करते भी हैं। जो चिमनी आप देखे होंगे, जो चिमनी, जो इसको इस टाइप का आप देखे होंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है ना, इस टाइप का आप देखे होंगे स्ट्रक्चर, जो चिमनी होगा, ठीक है ना, चिमनी जो रहता है, यहाँ जो बर्न्ड गैसे निकलते हैं वो पहले आपका प्रोसेस होकर जाता है, रीजनरेशन का प्रोसेस उससे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल केस में आपका प्रोसेस रीजनरेशन का हीट जो है टर्बाइन से भी जितना ले सकते थे ले लिए और इससे भी ले लिए, ठीक है ना। तो इसी यही हम करके चलते हैं और अपने रीजनरेशन को करते हैं और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी रीजेनरेटिव साइकिल में, जैसे कि वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, आपका हीट एडिशन क्या होगा, आपका हीट रिएक्शन क्या होगा, तो वो सब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जितना भी हम वेपर पावर साइकिल पढ़ लिए हैं इसका सारा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और अगर इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और इसके बाद हम सारा का सारा न्यूमेरिकल वेपर पावर साइकिल का बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं वेपर पावर साइकिल का न्यूमेरिकल में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं कि हम वीडियो डालें या नहीं डालें, और हम रेगुलर अपडेट आते रेगुलर वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।